वेलकम टू माय थर्ड वीडियो फायर अलार्म ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे कि चार पॉइंट है। पहला पॉइंट रहेगा जोन, उसके बाद लूप, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नजदीक लो कैमरा, ये येलो जो शो कर रहा है हाईलाइट, उसका बारे में सीखेंगे क्या है, क्यों कैसा होता है। और ये जो ब्लैक शैडो है उसके बारे में सीखेंगे कि क्यों ऐसा आ रहा है, क्या है उसके बारे में। व्हाइट वाला है उसके बारे में सीखेंगे। ऐसा चार पांच पॉइंट है उसके बारे में हम बता दें आपको। तो पहला हम बताएंगे जो येलो शैडो जो दिख रहा है ये है, इसका मतलब है फॉल्ट। जब फॉल्ट होता है सिस्टम में कोई मतलब मॉडल के अंदर, तो येलो टाइप शो करता है यहाँ पर कलर, उसे फॉल्ट कहते हैं। इसमें देखना इधर शो भी करता है, इधर लिखा भी है येलो इसमें फॉल्ट लिखा भी है। और ये नीचे देखना जो ब्लैक शैडो है वो है डिसेबल, मतलब आइसोलेट किया हुआ है, मतलब ये डिसेबल में है तभी वो ब्लैक शैडो शो कर रहा है। इसको सही करने के लिए रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है बाय टेक्नीशियन के ज़रिए, तब वो सही हो जाएगा। और जो वाइट इसमें जो दिख रहा है ये सब ओके कंडीशन में है। तो ये हो गया तीन पॉइंट। अभी सीखेंगे हम जोन के बारे में। जोन के बारे में बताएंगे कि ये आखिर ये जोन क्या होता है। जोन भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट रोल लगता है फायर अलार्म के अंदर। जोन मतलब एक स्पेस, एक ऐसा कुछ स्पेसेस जगह प्लेस होता है, जो एक एरिया होता है उसी को जोन कहते हैं। वो जैसे कि एक हो गया एग्जांपल बता रहा हूँ, बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि आपका एक घर हो गया, घर के अंदर एक हॉल है वो एक जोन हो गया, रूम वो एक जोन हो गया, टॉयलेट वो एक जोन हो गया, बाथरूम वो एक जोन हो गया, किचन वो एक जोन हो गया। ऐसे बिल्डिंग में एक एक फ्लोर वाइज एक एक टाइप से जोन बनाया गया है, उस जोन के हिसाब से लोकेशन डाला जाता है। समझ में आ गया होगा जोन के बारे में। अब हम सीखेंगे लूप के बारे में। लूप, ये जो लूप होता है, जैसे कि पैनल से जब हम वायर डालते हैं जिससे कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक वायर के ज़रिए डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, तो उसे लूप कहते हैं। वो जो लूप होता है पैनल से निकलता है, वायरिंग के ज़रिए पूरा मतलब एक एक जोन में जाता है। हर पैनल का अलग अलग होता है, किसी में एक लूप होता है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार। यहाँ पे तो चार लूप है, दो लूप है, एक लूप है, तीन लूप है। एक एक पैनल में कम रहता है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा रहेगा तो कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा है वैसा लूप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बेस्ट एग्जांपल है लूप का, जैसे कि एक स्टेशन है जंक्शन, जहाँ से जंक्शन से बहुत सारे ट्रेन के पटरी बिछाए होते हैं चारों तरफ से। वो पटरी पे जब ट्रेन चलती है तो जो ट्रैक होता है वो एक लूप, वो लूप हो गया। और जो स्टेशन है वो जैसे कि पैनल हो गया। समझ आया कि जो जब ट्रेन चलती है पटरी से तो चलते जाती है तो एक स्टॉप लेती है, फिर स्टॉप लेती है, रुक रुक जाती है। तो जो जैसे कि इसमें पैनल से जब वो लाइन निकलता है केबल का, तो एक एक मतलब डिस्टेंस, थोड़ा मेन डिस्टेंस पे, छोटे छोटे डिस्टेंस पे अपना मॉड्यूल लगाया होता है, जैसे स्मोक डिटेक्टर लगा होता है। ऊपर दिखाओ एक एग्जांपल के, जैसे जैसे ये डिटेक्टर लगा हुआ है, एक जोन हो गया गेमिस रूम, फायर कंट्रोल रूम, एक जोन हो गया, ठीक है। जैसे ये ऊपर लगा हुआ है ऐसा एक एक जोन में लगा होता है, एक एक लूप के अंदर, तो ऐसा लूप रहता है। तो समझ में आ गया होगा लूप के बारे में और जोन के बारे में, और जो येलो शैडो शो कर रहा है उसके बारे में, ब्लैक शैडो शो कर रहा है उसके बारे में, और वाइट वाला जो शो कर रहा है उसके बारे में। तो अभी डिटेल्स तो आप लोग सीख लिए हैं और बता दिए हैं। और उसमें ऊपर में जो पैनल्स है उसका, पैनल्स का हम अलग से स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे बाद में। तो ये मेरा थर्ड वीडियो था। फोर्थ वीडियो भी, फोर्थ पार्ट भी आने वाला है, इसके बाद निकलेगा। उसके अंदर हम और डीपली सीखेंगे कि इसको आइसोलेट कैसा करेंगे, उसके बाद इसको इनेबल कैसा करेंगे कोई भी मॉड्यूल को, उसके बारे में बताया जाएगा डिटेल के ज़रिए, ठीक है। तो ये वीडियो देखते रहो और इल्म हासिल करते रहो। इसको सब्सक्राइब नहीं करना है मत करो, करना है करो, बस वीडियो देखो पूरा। ओके, बाय।